हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे दो और रोटेटिंग इंस्ट्रक्शंस की जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ RAL एंड दूसरा इज़ RAR। फर्स्ट वी स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शन RAL। तो देखिए RAL इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है? इसका निमोनिक क्या होता है? सिंपली हम RAL इस तरह हम दे देते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में, ये निमोनिक लिखते हैं RAL, ठीक है? इसमें ऑपरेशन क्या होता है कि देखिए, इसमें ऑपरेशन ये होता है कि फॉर एन इक्वल टू 0 से लेकर 6 तक, ठीक है, बी एन को बी एन प्लस 1 कर देता है। मतलब क्या हुआ कि बी एन में जो वैल्यू है उसको बी एन प्लस 1 में ये शिफ्ट कर देता है। उसके बाद कैरी में बी 7 की वैल्यू डाल देता है और B0 में जो कैरी रहता है उसको डाल देता है, ठीक? तो इसको बोलते हैं RAL इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी देखिए 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। कितनी मशीन साइकिल यूज होती है इसमें? 1 मशीन साइकिल यूज होती है, वो भी ऑप कोड फेज। एल्गोरिथम इसका क्या है? तो एल्गोरिथम देखिए, अभी जैसे हमने ऑपरेशन में लिखा है कि ये बी एन को बी एन प्लस 1 कर देगा, यानी बी एन की वैल्यू बी एन प्लस 1 वाले बिट में डाल देगा। कहाँ तक? फॉर एन इक्वल टू 0 से लेकर 6 तक के लिए, ठीक है? उसके बाद बी 7 की वैल्यू आ जाएगी कैरी में, कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग में जो वैल्यू है वो चली जाएगी बी 0 में। तो ये काम होता है इस इंस्ट्रक्शन में। फ्लैग्स की जहां तक स्थिति है, तो इसमें देखिए केवल ओनली द कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, ओनली द कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, बाकी सारे फ्लैग जो है, ऑल अदर फ्लैग आर अनमॉडिफाइड, ऑल अदर फ्लैग्स आर अन मॉडिफाइड, बाकी अदर फ्लैग्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है? इसमें इम्प्लाइड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल होता है। टी स्टेट्स कितनी यूज होती है? 1 मशीन साइकिल है, वो भी ऑपकोड फेज है, तो 4 टी स्टेट इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल होती है। अब इंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब अगर हम करें, तो इसका डिस्क्रिप्शन ये होगा कि रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। RAL का मतलब होता है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दिस इंस्ट्रक्शन विल रोटेट द कॉन्टेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर लेफ्ट बाई 1 बिट पोजिशन अलॉन्ग विथ कैरी। बिट 7 इज प्लेस्ड इन कैरी फ्लैग एंड कैरी इज प्लेस्ड इन बिट 0। मतलब क्या हुआ कि देखिए, यहाँ से अगर आप स्टार्ट लेंगे तो बी 0 की वैल्यू आएगी बी 1 में, सिमिलरली बी 1 की वैल्यू बी 2 में, बी 2 की वैल्यू बी 3 में, बी 3 की वैल्यू बी 4 में, बी 4 की वैल्यू बी 5 में, और बी 5 की वैल्यू बी 6 में, और बी 6 की वैल्यू आएगी बी 7 में, बी 7 की वैल्यू किस में जाएगी? ये चली जाएगी कैरी में, ये आ जाएगा कैरी में, ठीक है? और कैरी की जो वैल्यू है वो चली जाती है बी 0 में। इसीलिए इसको बोलते हैं रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने कहा कि लेट ए में क्या है, ए में इनिशियली हमारा 0E, ठीक, और कैरी क्या है? कैरी है 1। अब इसमें क्या होगा कि देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द कॉन्टेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी, तो कॉन्टेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा? आप देखिए, 0, आप एक्यूमुलेटर को लिखिए 0E, मतलब 0000, और ई का मतलब हो गया आपका, आप इधर से निकालिए, ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब हो जाएगा 1110, 1110, ये हुआ।
अब जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और कैरी, मान लीजिए हमने यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया कैरी क्या है, कैरी है वन। अब जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये शिफ्टिंग होगी इधर ऐसे, दिस विल बी शिफ्टेड हियर देन हियर देन हियर, इस तरह पूरी कार्रवाई चलेगी। तो यानी शिफ्टिंग के बाद और लास्ट में ये जो B7 है ये चला जाएगा CY में, तो यानी CY में आ जाएगा 0, और ये जो शिफ्टिंग होके आएगा ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 1 1, और फिर ये लास्ट में आ जाएगा ये 0, और कैरी में 0 आ गया। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैरी में 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1 और ये हो गई, अच्छा ये कितना हुआ 0 0 0 1 और 1 1 0, अच्छा लास्ट में ये 1, ये डी हो जाएगा। यानी आफ्टर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, 1D आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप बिट वाइज दिखाना चाहें बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया कैरी, ये एक्यूमुलेटर के बिट्स हो गए, तो बिफोर एग्जीक्यूशन इसमें क्या है, 0E है, मतलब 0 0, और E हो गया 1 1 1 0। ठीक, अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये इधर शिफ्टिंग होगी, ये इधर शिफ्टिंग होगी, अभी जैसे आपको दिखाया था ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये लास्ट वाला जो 0 है ये चला जाएगा किसमें, कैरी में। ठीक, तो यानी कैरी मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको यहाँ दिखाना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, जबकि बिफोर एग्जीक्यूशन ये 1 है। ठीक, और ये 1 जो है ये कहाँ आएगा लौट के, B0 में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ वाला 1 आ जाएगा B0 में, ये 1 हो गया, बाकी ये 0 जैसे आपने इधर शिफ्ट किया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0 हो गया, फिर उसी हिसाब से आप 0 1 1 1 1 हो गया, और फिर 1 0 0 0, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा रजिस्टर ए और ये हो जाएगा कैरी। ठीक, तो इस तरह से ये जो आपका RAL इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग इसी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है RAR, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो पुराना डेटा है इसको हटा दीजिए। अब RAR इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होता है। RAR इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं, ये हटा दीजिए, अब इसमें जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या एल्गोरिथम है, क्या ऑपरेशन है, क्या जो है आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं RAR इंस्ट्रक्शन के लिए। तो नाउ फर्स्ट वी राइट RAR। ठीक, इसका निमोनिक क्या होता है, निमोनिक हम सिंपली ऐसे लिखते हैं RAR। ऑपरेशन ये क्या करता है कि देखिए, फॉर एन इक्वल टू 0 से 6 के लिए क्या होगा, BN+1 को ये B बना देगा, BN बना देगा। ठीक है, और B0 की वैल्यू चली जाएगी CY में, और यानी कि CY=B0 हो जाएगा, और B7=CY हो जाएगा। ठीक, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल इसमें यूज होती है ऑपकोड फेच की। एल्गोरिथम क्या कहता है इसका, कि वही जो अभी हमने लिखा है, BN हो जाएगा कौन सा, BN+1, ये N=0 से लेकर 6 बिट तक के लिए, तो ये हो जाएगा। फिर CY हो जाएगा कितना, B0, और फिर CY हो जाएगा B7। ठीक, इसमें फ्लैग की स्थिति ये रहती है कि ओनली द कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड, बस बाकी सब पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है? एड्रेसिंग मोड यूज होता है इम्प्लाइड, एड्रेसिंग मोड इज यूज। ठीक, टी स्टेट, तो एक ऑफ कोर्ट फेच मशीन साइकिल है, तो इसके लिए चार टी स्टेट जो है यूज हो गए। क्लियर? अब देखिए, अब इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर को राइट करेगा, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, यानी अब ये सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, अभी हम लोग लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। ठीक है, एक्यूमुलेटर को राइट रोटेट करेगा कैरी की मदद से, यानी दिस इंस्ट्रक्शन रोटेट्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर राइट बाय वन पोजीशन विद कैरी, बिट B0 इज प्लेस्ड इन कैरी एंड कैरी इज प्लेस्ड इन B7। मतलब कि देखिए, यहां से क्या होगा कि जैसे ये B7 है, इधर जाएगा ये, इसमें ये, इसमें ऐसे राइट शिफ्ट होता रहेगा ये एक एक बिट जो है, और ये इधर, और B0 कहाँ चला जाएगा, B0 चला जाएगा कैरी में। तो चाहे इसको यहाँ यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया, ये आ जाएगा कैरी, B0 यहाँ पे आ जाएगा, और कैरी में जो डेटा है वो चला जाएगा B7 में, यानी इस लाइन को हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं। अब कैरी में जो डेटा है वो जाके B7 में, यानी ये यहाँ से आएगा और ये B7 में, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है RAR इंस्ट्रक्शन। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए हमने कहा कि इनिशियली एक्यूमुलेटर में क्या है हमारे पास, इनिशियली 0E है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक, और कैरी हमने मान लिया 1 है इनिशियली, एंड द इंस्ट्रक्शन RAR इज एग्जीक्यूटेड। तो अब जब इंस्ट्रक्शन RAR एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा वो आप देखिए, ये हटा दीजिए, अभी ये वैल्यूज भी हटा दे रहे हैं, ये भी हटा देते हैं, तो ओल्ड डाटा है ये। अब देखिए, इनिशियली ये स्थिति है, अब इसमें क्या होगा कि ये बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक, ये मान लीजिए हमने इनिशियल कंडीशन मानी है। अब इसमें क्या होगा कि इसको हम सीधा आपको बिट वाइज यहीं पे शो कर देते हैं, ए यहाँ आ जाइए, ये पुराना डाटा जो है इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये वैल्यू भी हटा दी हमने, ये पुराना डाटा भी हटा दिया, ठीक। अब इनिशियली यहाँ पे कैरी की क्या स्थिति है वो मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे से हमने ये बनाया, कैरी, ठीक है, यहाँ पे ये बना दिया हमने कैरी। अब क्या होगा, इनिशियली हमारे पास इसमें एक्यूमुलेटर में क्या है, 0 और E, तो देखिए 0E है और इनिशियली कैरी क्या है, कैरी 1 है, तो ये 1 कर दिया हमने। अब क्या होगा कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक एक बिट राइट शिफ्ट होंगे, तो यानी ये 0 आएगा यहाँ, ये इन सबको एक एक बिट जो है आप राइट शिफ्ट कर दीजिए यहाँ और यहाँ। अब ये 0 कहाँ जाएगा, तो ये 0 जाएगा कैरी में, यानी इधर, तो यानी इसको आप शायद चाहे तो आप समझ के लिखते चलिए, आपने एक एक बिट शिफ्ट किया, तो ये 0 यहाँ से स्टार्ट लीजिए, ये 0 आ गया आपका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे, और फिर हो गया आपका 1 1 1, और ये जो 0 बचा ये जाएगा कैरी में, तो यहाँ हो गया 0, और कैरी में जो था वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा B0 पे,
यानी कैरी में जो डाटा था वो आएगा आपका यहाँ बी जीरो में, यानी ये आ गया वन। ठीक, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन जो है रजिस्टर में जो स्थिति बनेगी वो देखिए, 1000 मतलब 8 और 0111 मतलब 7। आफ्टर एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में 8 7 रहेगा और कैरी जो है रीसेट स्टेट में रहेगी। तो कैरी क्या रहेगा, कैरी रीसेट स्टेट, ये आएगा आपका रिजल्ट। तो इस तरह से ये दोनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, RALB और RARB। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। टाइमिंग डायग्राम हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सारे आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और रोटेटिंग इंस्ट्रक्शन ये तीनों आपके जो है खत्म हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें जितने भी हमने अभी तक लॉजिक इंस्ट्रक्शन और रोटेटिंग इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं उन सबको हम कोशिश करेंगे कि एक या दो टाइमिंग डायग्राम में वो कवर हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको एक या दो टाइमिंग डायग्राम में ही आपके सारे रोटेटिंग इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आ जाए। तो आई होप कि ये आज के कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।